एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। सैनिक स्कूल से टीचर वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें TGT PGT की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है और इसके अलावा भी जो है कई वैकेंसी जैसे म्यूज़िक टीचर की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है। तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी इसमें मिलने वाली है। TGT में सैलरी 67,350 पर मंथ रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो सैलरी है 71,400 पर मंथ रहने वाली है। अभी सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है तो फ्री रेजिडेंस प्लस फूड ये तो अवेलेबल होगा ही। इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC ST की कोई भी फीस नहीं लग रही है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको TGT में दिखा देती हूँ वैकेंसी। TGT में संस्कृत टीचर की है। संस्कृत टीचर के लिए जो है ग्रेजुएशन आपकी यानी BA में 50% मार्क्स संस्कृत में होने चाहिए। तीनों साल आपने जो है संस्कृत पढ़ी हो। स्नातक में BEd आपका होना चाहिए। CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आपके राज्य का टेट नहीं चलेगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। TGT के टीचर की जो सैलरी है 67,350 है। 21 से 35 वर्ष तक की के जो कैंडिडेट हैं मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की जो वैकेंसी है एक वैकेंसी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है, बाकी संस्कृत की जो वैकेंसी हमने देखी वो SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। काउंसलर की जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BEd भी नहीं मांग रहे हैं, केवल ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं साइकोलॉजी से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन चाइल्ड डेवलपमेंट में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 67,350 पर मंथ जो है इसमें सैलरी दी जाएगी। काउंसलर की जो एज है कैंडिडेट के लिए 21 से लेकर 35 ईयर है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी सब्जेक्ट की वैकेंसी है। एक वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए है। सैलरी काफ़ी अच्छी है 71,400। इसमें जो है अनुभव नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें अनुभव मांगा जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेशर बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हैं। 21 से 40 वर्ष इसमें उम्र रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपका बायोलॉजी में और BEd आपका होना ज़रूरी है और टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है तो इसमें तो MBBS डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 71,650 है। 18 से 50 वर्ष तक जो है इसमें उम्र सीमा रखी गई है। इसके अलावा म्यूज़िक टीचर की भी वैकेंसी है। कोई एक कैंडिडेट कह रहे थे कमेंट में कि म्यूज़िक टीचर की जो वैकेंसी जैसे ही आती है बताई जाए, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या सामान्य कैटेगरी के हैं तो अप्लाई करेंगे ही। तो इसमें जो है आपके पास बैचलर डिग्री म्यूज़िक में होनी चाहिए। तीनों साल यानी आपने मेन सब्जेक्ट के रूप में म्यूज़िक पढ़ा हो, बस इतना ही मांग रहे हैं। और बाकी जो है वर्किंग नॉलेज इन इंग्लिश ये डिज़ायरेबल में है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। 67,350 इसमें सैलरी है। 21 से 35 वर्ष इसमें उम्र रखी गई है। नेक्स्ट जो है मैट्रोन फीमेल की वैकेंसी है। इसमें कोई भी आवेदन कर सकते हैं। एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। म्यूज़िक टीचर में भी जो है एक अनरिजर्व कैटेगरी की है। अगर सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट जो है नहीं मिलते हैं तो ऐसे में जो भी कैटेगरी है अन्य कैटेगरी वो भी जो अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, तो इसमें मैट्रिकुलेशन 10th पास कैंडिडेट या 12th पास कैंडिडेट जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो अप्लाई कर सकते हैं। 43,800 इसमें सैलरी है। 18 से 50 वर्ष इसमें उम्र रखी गई है। अभी आपको बता दूं जो भी वैकेंसी है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचें कि इतनी अच्छी सैलरी है तो ज़रूर अनुभव मांग रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अनुभव नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इसमें जो है टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है सिलेक्शन रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि सैनिक स्कूल जितने भी हैं पूरे भारत में सभी जगह आपको अलग अलग सैलरी मिलेगी स्कूलों में। ठीक है, ये स्कूल के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी केंद्रीय विद्यालय में सैलरी सभी जगह समान है, चाहे आप किसी भी जो है स्कूल में चले जाएं। सैनिक स्कूल में पहले परमानेंट वैकेंसी आती थी, फिलहाल परमानेंट आना बंद हो गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही जो है वैकेंसी निकाल रहे हैं। अगर आप परमानेंट वैकेंसी का वेट कर रहे हैं सैनिक स्कूल में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही पूरा साल हो गया वैकेंसी आई है। ठीक है, कुछ एक वैकेंसी होती है जो कि ये रेगुलर बेस पर निकालते हैं। रेवाड़ी एट विलेज गोथरा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से ये वैकेंसी है।
पूरे भारत में आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं, जिन भी पोस्ट में वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हैं ये। अब कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट जो बताई गई है कि टीजीटी के लिए 35 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, इसमें जो है एससी एसटी जो है उनको 5 साल की छूट है और ओबीसी को 3 साल की छूट है उम्र सीमा में, और बाकी जो है जनरल कैटेगरी की टीजीटी में 35 ईयर है, पीजीटी में 40 ईयर है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे तो उनको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है डाला जा चुका है, वहीं से आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूंगी कहाँ से नोटिफिकेशन लेना है और कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आप ले लेंगे और उसके बाद ये एड्रेस है द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवारी एट विलेज गोथरा डिस्ट्रिक्ट रेवारी हरियाणा 123102। ये पूरा एड्रेस है जो कि एनवलप के ऊपर आपको लिखना है, बिल्कुल सही लिखना है जो भी यहाँ लिखा हुआ है। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये रहा जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी लेनी है, सेल्फ अटेस्ट करनी है यानी उनके नीचे अपने खुद के साइन करने हैं। अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव सर्टिफिकेट जरूर लगा दें, नहीं है तो भी आप जो है अप्लाई तो करेंगे ही क्योंकि इसमें जो है कंपलसरी नहीं है एक्सपीरियंस। उसके बाद जो है बैंक ड्राफ्ट आपका बनेगा 500 रुपीज़ का, जो कि इसी स्कूल के नाम का होगा, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवारी के नाम का, ठीक है। 42 रुपीज़ का जो है एक स्टैम्प भी लगेगा। तो सैलरी अगर देखेंगे आप तो ये 500 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें जो एससी एसटी कैटेगरी हैं इनकी कोई भी फीस नहीं है, इनकी कोई भी फीस नहीं है। बाकी जो है जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो इनके जो है 500 रुपीज़ हैं। लास्ट डेट देखें 6 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, आराम से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, रिटर्न एग्ज़ाम 100% रिटर्न एग्ज़ाम रहता है, उसके बाद जो है जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका रहेगा इंटरव्यू, ठीक है। देन जो है यहाँ पर जो भी सिलेक्ट होंगे उनका अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा। तो ये वैकेंसी है। अब चलिए आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है सैनिक स्कूल रेवारी की। इसमें जैसे ही आप होम पेज पर ही आएंगे, मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूंगी, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ में ही आपको दोनों चीज़ें दिख जाएंगी। एक तो ये देखिए एडवर्टीजमेंट वैकेंसीज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, नीचे है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अवर वैकेंसीज टू अप्लाई, ठीक है। तो बहुत कम सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हैं, लेकिन जो भी हैं जिनका सब्जेक्ट है तो अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि सैलरी आप देख सकते हैं अभी तक जो है ये सैलरी काफ़ी अधिक रही है जितने भी सैनिक स्कूल की वैकेंसी आई। एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको जो है आप क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपको भेज देना है। और भी वैकेंसी आती है किसी भी राज्य की, ये हरियाणा से वैकेंसी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।